भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला से पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप एक बार फिर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए हैं। यह घोषणा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य द्वारा की गई। इस घोषणा के उपरांत वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि भाजपा अपनी पार्टी का विस्तार हर वर्ग के लिए समय समय पर करती है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर मुझे अनुसूचित जाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस नियुक्ति का श्रेय उन्होंने किसको दिया, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अपना पार्टी का विस्तार हर वर्ग में दिन प्रतिदिन जो है वो करती जा रही है और हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा जो है वो भी गत कई वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है इस वर्ग में लगातार जो है इन वर्गों की समस्याओं को लेकर और किस तरह से हम इन वर्गों को जो अपेक्षित वर्ग रहा है उसको हम कैसे आगे ला सकते हैं इस मोर्चे के माध्यम से हमारी पार्टी काम कर रही है। और आज फिर मुझे खुशी है, खास करके मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और अपने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने मुझे फिर दोबारा से जो है इस पद के लिए जो है वो काबिल समझा और मुझे राष्ट्रीय जो है उपाध्यक्ष जो है पुनः फिर दोबारा से बनाया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा अनुसूचित जाति वर्ग जो है उनकी समस्याओं के साथ साथ इस वर्ग को हम समाज में एक प्रतिष्ठित वर्ग के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये एक बहुत ऐसा वर्ग है जो कई वर्षों से अपेक्षित भी रहा, वंचित भी रहा। हालांकि मोदी सरकार के समय में बहुत सी योजनाएं इस वर्ग के लिए लाई गई हैं, तो उन योजनाओं को अनुसूचित जाति मोर्चे के माध्यम से हम इस वर्ग के अंतिम जो व्यक्ति है, गरीब से गरीब आदमी को वह पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।